पिछले साल केंद्र और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र को आमने सामने देखा गया था। बार बार जजों की कमी पर चिंता व्यक्त की गई थी, जो अब सॉल्व हो गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में आज 5 नए न्यायाधीशों को शपथ दिलाई गई। जिन न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है उनमें मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय किशन कौल, राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नवीन सिन्हा, केरल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहन एम शांतन गौधर, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक गुप्ता और कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायाधीश एस अब्दुल नजीर शामिल हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने गत बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी थी। सुप्रीम कोर्ट पदोन्नत होने वाले 5 न्यायाधीशों में से 4 न्यायाधीश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों के कुल 31 पद मंजूर हैं, लेकिन इन 5 की नियुक्ति के बाद अब न्यायाधीशों की कुल संख्या अब 28 हो गई है। इनमें से मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर, न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष और न्यायाधीश प्रफुल्ल चंद्र पंत इस वर्ष सेवानिवृत्त हो जाएंगे। NMF न्यूज की रिपोर्ट।